देखो यार स्क्रैच भी आ गया। ये देखो मेरे को देख लो गाइस। गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मेट्रो स्टेशन पे आ गए हैं भाई और अभी जा रहे हैं भाई अपने अर्बन सर्विस सेंटर। मेट्रो आ गया, बाद में बात करूंगा यार, अंदर बताऊंगा क्या सिस्टम। गाइस वेलकम टू छपरी नगर, दिखाता हूं आपको छपरी नगर दिल्ली का। तो ये रहा आपके सामने और आपका टिकटॉक बनाएगा यार टिकटॉक की दुनिया में आपका स्वागत है। यहाँ दिखेंगे एक से एक टिकटॉकर, देखते हैं सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट अपना। यहाँ पे चलते जा रहे हैं, अब आगे आपको दिखाते रहेंगे हम क्या कर रहे हैं पूरे दिन में। पालिका बाजार पार्किंग कोई बाजार टाइप है यहाँ पे पालिका का। यहाँ स्टारबक्स भी है गाइस, वहाँ फाउंटेन्स चल रहे हैं, यहाँ हम चल रहे हैं, यहाँ भी चल रहा है। मास्क पहन रखा है आधा, यहाँ पर आप बीड़ी भी पी सकते हो। चलो पहले अपना आईफोन देखने जा रहे हैं हम, तो मेन वही है अपना आज का काम। नया आईफोन खरीद रही है, नया ओ बिल्कुल नया आईफोन ही खरीद रहा है यार। जो मैंने सबमिट किया था ना पिछले ब्लॉग में तुमने देखा होगा जो सबमिट किया, यार एप्पल की सर्विस मेरे को बहुत बेकार लग रही है ना। कुछ ये कर रहे हैं, मतलब कमी नहीं निकाल रहे, कमी दिखा रहा हूँ सामने सामने, ब्राइटनेस कम है फिर भी कुछ नहीं मान रहे। बोल रहे सही है, अभी उन्होंने बेंगलोर भेजा था फिर भी बोल रहे सही है। ये है फ्यूचर वर्ल्ड का। तो गाइस ये मतलब बेंगलोर गया था, मुझे सब बोल रहे हैं कि ठीक है फ़ोन, लेकिन फ़ोन ठीक नहीं आता सामने था, और अब इस ऐसी पैकिंग में वापस आए सर। इसके अंदर देखो स्क्रैच, ये मिट्टी का डस्ट वगैरह सब है। अब इसको खोलता हूँ सामने पकड़ी। यस एक्चुअली वो मेरे फोन में जो दिक्कत थी। हेलो ये रहा भाई अपना आईफोन, इस पर दिख रहा होगा आपको यहाँ कैमरे के साइड में एक ये आया और ये देखो ये उसी पैकिंग की वजह से आया जिसमें पैक किया था मैंने। है यार बहुत बेकार सर्विस है। चले फिर ये दे दिया पर्चा सा, कुछ फ़ायदा है नहीं इसका भी। सर्विस सेंटर से स्क्रैच और मार के दे दिए दो दो सर्विस भी करी कुछ। हाँ रिटर्न कर दिया उस स्क्रैच और मार दिए भाई, दिमाग खराब हो रहा है बिल्कुल। वैसे मैं फ़ोन लिया था 4-5 महीने हुए, ब्राइटनेस डाउन हो रही थी, वॉइस रिजॉल्व नहीं हुआ, स्क्रैच मार दिया, बोल रहे सपोर्ट से बात करो, बेंगलोर भेजा था हमने। तो भाई क्या कर सकते हैं आज के बाद, तो फ़ोन ले लो और सर्विस का तो भूल जाओ तुम कोई भी फ़ोन लेके। मतलब एप्पल यूज़ कर रहा हूँ मैं, एप्पल में तो बिल्कुल बेकार सर्विस है यार। बाकी रेडमी वगैरह के पता नहीं, इनके तो फिर भी बढ़िया, एक बार मैंने स्क्रीन चेंज कराई थी रेडमी की उसके फिर भी बढ़िया थी सर्विस, कोई ऐसा इशू नहीं आया कि फॉल्ट नहीं मान रहे। चलो अब क्या कर सकते हैं, अब देखते हैं भाई क्या करना। कितना टाइम हो गया टाइम ट्राई करते हैं, 11 हो गए देखते हैं। तो गाइस काफ़ी सुना था ये पालिका बाज़ार के बारे में, एक बार हम देखने जा रहे हैं कि कैसा होता है, क्योंकि मैं आज से पहले कभी नहीं गया। गया कभी तू भाई? आज पहली बार देख के आते हैं, देखते हैं भाई। काफ़ी लोग बोलते हैं कि यहाँ इधर से पार्क मतलब कपड़े वगैरह बढ़िया मिलते हैं, देखते हैं आज एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि टाइम तो हमारे पास बहुत ज़्यादा है, इतना टाइम अपना वेस्ट करते हैं इधर जाने के, वेस्ट का एक ब्लॉग ही बन जाएगा यार इसलिए जा रहा हूँ मैं। एंट्री नहीं है यहाँ से, नो एंट्री लिखा ब्रो। एंट्री कहाँ से होगी, आ जा। खत्म खड्डे में ओ खई निकल गई, खुश हो गया साले। वो एंट्री कहाँ से होगी इसकी, पूछे किससे, किसे पूछते नींबू वाले से। पालिका की एंट्री कहाँ से होगी, कहाँ से बनवा ले टैटू, नेम लिखवा ले लिखवा ले बड़ा बड़ा छाती पे बनिया।
गोरा पालिका बाजार गाइस जाते हैं आज और देखते हैं व्हाट्स न्यू। ये भी अपनी दिल्ली देख लो यार, जो दिल्ली से नहीं रहे। काफी लोग दिल्ली आना चाहते थे और घर वालों ने नहीं भेजा। कौन कौन जो व्लॉग देख रहा होगा समझ जाएगा। तो ये गेट नंबर 2 पालिका बाजार का, उधर गेट नंबर 1 है। कहाँ चलना, 1 से चलना 2 से चलना? चलो 2 से चलेंगे। चलो गाइस एंट्री करते हैं, फिर से अंदर मिलता हूँ। गाइस वेलकम टू चोर बाजार। और चोर पालिका बाजार, और चोर आज बहुत चोरी का सामान है, सब बेचने सारे चोरी का सामान हम लेके आ चुके हैं। हम सारे सामान बेचेंगे चोरी का। जीन्स देख लो गाइस, शूज देख लो, तो गाइस वहाँ पर तो वीडियो बनानी अलाउड ही नहीं था। मैं जी देख रहा के आगे, मतलब सही है, कपड़े वपड़े सही मिल जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी सामान है। और क्या गया भाई, इतनी सस्ती चीज़ें मिलती है ना भाई। सही कह रहे, बस 200 रुपये में टी शर्ट, 200 रुपये में लोअर, 300 रुपये में जीन्स, भाई बहुत सस्ती है। देख लेना भाई जिसको लेने हो कपड़े, यहाँ पर मिल जाएंगे तुम्हें उनके बाहर, और अंदर भी मिल जाएंगे। यही था, कुछ नहीं, आप कुछ खाने जाएंगे? वही चलेंगे अपना, जो पिछले ब्लॉग में खिलाया था मैंने, जो पिछले ब्लॉग में खाया था वही खाऊंगा, वही जैन के चावल। इस बार वो नहीं लूँगा मैं, पिछली बार जो लिया था यार वो बेकार थी, थाली थी। चल भाई चलते, और टैटू वाले पीछे पड़ जाएंगे भाई तुम्हारे यहाँ। देख लो क्या, हाँ वीडियो बनाते रहो, डेनिम शर्ट देखो यार। नहीं देखनी भाई हमने, टैटू वाले से बच के रहना, पकड़ पकड़ के टैटू बनवाएंगे तुम्हारा, पकड़ पकड़ के छेद कर देंगे तुम्हारी। इसके छेद होते होते बच्चे हैं भाई, इसको खींच के लेगा, टैटू बनवा टैटू बनवा भाई, पीछे पड़ेगा टैटू के। वो तो शुक्र है बच गया, अपनी कैसे टेलीपैथी होगी। चलो भाई खाने चलते हैं। जाना कौन सी साइड है ब्रो, तू बता कहाँ है? पता नहीं यार, मैं तो इस जगह पे नहीं आया था पिछली बार। तू लेके जा रहा है? अरे लेके तो जा रहा हूँ, जगह तो मेरे को नहीं पता। ठीक है फिर वहीं मिलते हैं। तो भाई एक चीज़ नोटिस की तुमने, लॉकेट ये ले लिया मैंने, वो छपरी वाला लॉकेट, देखते हैं भाई कैसा लगता है। बढ़िया सा लग रहा था, मैंने सोचा एक चीज़ तो ले, इसलिए वो ले लिया। ये है भाई तुम्हारी पूरी मार्केट सीपी के, मतलब पूरी बहुत बड़ी है यार ये। बताओ ना भाई लॉकेट कैसा लग रहा है छपरी वाला? भाई साहब बहुत गर्मी है, इतनी गर्मी है भाई, सूरज देख लो कैसे ऊपर, सिर के ऊपर है सूरज भाई। वो रहा तेरे जान जैन चावल वाले, जान नहीं जैन। तो भाई वही राजमा चावल लेते हैं अपने, मस्त कोक लेते हैं भाई खाते। भाई ये रहा अपना कोक और राजमा चावल, सेटेलाइट भेज दो उसमें, मज़ा आ गया भाई। गर्मी लगी अब यहाँ पर, देखो यार बहुत गर्मी है सब पे भी है गाइस। तो कैसा लगा टेस्ट? ठीक है यार, नॉर्मल ही था। तो भाई मास्क चेकिंग हो रही थी, तो हमने मास्क लगा लिया, खड़ा बैठे 500 रुपए बच गए हमारे, 500 रुपए 2000 का भी, 500 रुपए बच गए। यही है पूरा तुम्हारा सीपी पिछले में भी देखा होगा, क्या ही दिखाऊँ, और बार बार। तो भाई ये क्या बंटा, पिया तेरे साथ तो पिया था पिछली बार, बेकार से लगा था काफ़ी। ये ऐसे टूटता है, इसके अंदर एक कंचा होता है भाई, है तो बढ़िया चीज़। सेकंड टाइम पिया है, सारी चीज़ें बढ़िया बता दो। पिछली बार भाई तू तेरे को पता बेकार था, बढ़िया था मेरा तो, बेकार था तो मेरे को बेकार लगेगा। तो चल अब घर ही चलते हैं भाई, बहुत गर्मी हो रही है, मेट्रो में एसी में बैठेंगे हम। तो यही था भाई आज का, भी थोड़ा और देख लेना आगे रास्ता, या कुछ और मिल जाए तो पता नहीं अभी क्या होने वाला हमारे साथ। चल जाते हैं घर पे, कुछ तो होगा ही, क्या होगा। बाइक जा रही है भाई सबके, नो पार्किंग वाली मत किया करो खड़ी भाई, नो पार्किंग वाली। बहुत गंदी भीड़ है यार ऊपर, पूरी भीड़ भीड़ भीड़। छपरी, वो छपरी लॉकेट तो दिखा दे एक बार। जीप के नीचे ब्लेड भी रख लियो।
बहुत बढ़िया लग रहा है भाई, चल रही हूँ मनाली यही लेके। तो गाइस अभी घर आया था थोड़ी देर पहले, और भाई अब पैकिंग वैकिंग कर रहा हूँ, मैं निकल रहा हूँ मनाली के लिए। जैसे तुम्हें मैंने पहले बताया था कि मेरा मनाली का कॉलेज ट्रिप बन रहा है, तो भाई ये पैकिंग वैकिंग कर लिए सारा सामान अपना, जैकेट वैकेट सारी सेट। तो भाई सुबह निकलना है अब मनाली के लिए, तो सीरीज अच्छे से इंजॉय करना, वो थोड़ी लेट हो सकती है इसके बाद। तो बस इसलिए आईफोन लेने गया था आज मैं। तो मिलते हैं फिर किसी और व्लॉग में, किसी और क्या मनाली वाली सीरीज में मिलूंगा सीधा मैं। तो एंड करते हैं आज के व्लॉग को, होप करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कैसा लगा, और सब्सक्राइब कर देना चैनल को जो जो नए हो। टिल देन बाय।